सर आपका नाम सदाकत। ये अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें आपके साथ मारपीट की घटना तारीफ की गई थी, अभी आप थाने आए हैं, क्या कुछ कहा? अभी तो जो उस दिन मार पिटाई में शरीक थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है और हमें यकीन दिलाया गया है खिलाफ कार्रवाई की। तो कितने लोग शरीक थे और क्या उस दिन हादसा हुआ था? तकरीबन 3 लोग थे जो मार पिटाई में शरीक थे और पीछे एक कार से हमारी गाड़ी हिट हो गई थी और वहाँ से लोगों ने हमें कह दिया था कि आप चले जाएं, जबकि कुछ देर वहाँ रुकना भी हुआ था मगर बार बार कहने पर हमारी की तरफ रवाना हो गई थी। तकरीबन 1 किलोमीटर दूर जाकर फिर कुछ लोगों ने आकर हमें घेर लिया और गाड़ी को भी नुकसान पहुँचा और हमारे साथ भी मार दिया। किस चीज़ से आपके जो हमला किया गया था? वैसे तो हमला हाथों से, लेकिन उनके हाथ में चाबी भी थी, चाबी से उन्होंने गाड़ी का शीशा वगैरह भी तोड़ा था और सर में भी उसी से मारा था और कमर में भी मारा था। तभी आपका जो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ था? उस वक्त तो जो फरीक मौजूद था, जो मारपीट करने वाले थे वो तो फरार हो गए थे और जो फरीक मौजूद था उसके साथ यहाँ थाने में काफ़ी देर तक मामला जारी रहा, लेकिन आखिर में फिर उनके साथ मुसालहत बात बन गई और उनके साथ उस मामले में जो गाड़ी के लगने का मामला था सुलह हो गई। मतलब गाड़ी वाले से आपकी सुलह हुई थी, जो मारपीट करने वाले हैं उनके खिलाफ जी अभी कार्रवाई बाकी है। अभी क्या एसपी सिटी साहब ने आपको आश्वासन दिया है? यही दिया है कि कानून के दायरे में कार्रवाई होगी। पहले भी उस दिन भी यही बात रही इंतजामिया की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किसी किस्म की कोई कोताही या कमी नहीं की गई, पूरा सहयोग किया गया, लेकिन कुछ हालात थे और मसलियतें थी जिनकी बिना पर उस फरीक से उस वक्त में सुलह कर ली गई। बाकी उनके मुतालिक उन्होंने भी कहा था कि हाँ इसमें बड़ी लापरवाही प्रशासन पुलिस प्रशासन की आती है कि आपकी कार के अंदर समझौता करा दिया जाए, लेकिन जो मुख्य अभियुक्त मारपीट के उन्हें क्यों नहीं अरेस्ट किया? एक बड़ा देखिए उस सिलसिले में हमने जो बात रखी थी वो यही थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए और उन्होंने यकीन दहानी कराई थी। उस दिन उनकी तरफ से हमारे साथ कोई ऐसा मामला नहीं था कि जिससे कोताही जाहिर होती है, बस एक मामले में उनसे सुलह हो गई, बाकी आगे के लिए उन्होंने वादा किया है और आज भी उन्होंने वादा किया है कि कानून के दायरे में ऐसे लोगों के खिलाफ जो अपना हमारा खराब करना चाहते हैं।